नमस्कार, मैं हूँ महेश बोगुणा और मेरी सहयोगी टीम अभी बिल्कुल नवी मुंबई में बन रहे जीवन वाहिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी है। सामने की तरफ वो जगह जहाँ पर एक ऐसा एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है जो आने वाले समय में, और ये एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जहाँ से पूरे भारत में ये एयरपोर्ट जीवन वाहिनी का काम करेगा, यानी लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा फ्लाइट से जाना, एयरपोर्ट से इधर उधर आना जाना। लखनऊ में भी एयरपोर्ट बन रहा है, ये भी अपने आप में, यदि मैं भारत की बात करूँ, बहुत विशाल एयरपोर्ट होगा। लोग आसानी से जिस तरीके से ट्रेनों में जाते हैं, सफ़र करते हैं हर दो दो मिनट में, पूरे देश में, पूरे भारत में यहाँ से एरोप्लेन से लोग जाएंगे और अपनी यात्रा संपन्न करेंगे, ऐसे बताया जा रहा। बहुत ही खूबसूरत दृश्य इन पहाड़ियों का, सामने की तरफ कल्पना कीजिए महानगर मुंबई के काफ़ी नज़दीक नवी मुंबई जो बन रहा है, पहाड़ियों के बीच में है और साथ ही साथ उसके नज़दीकी में है JNPT का बंदरगाह भी है सामने की तरफ, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास के घर भी बन रहे वहाँ पर। और मैं यदि सामने की तरफ जरा कैमरा लगाऊं अपने कैमरा पर्सन से, तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग मुझे नज़र आ रही, कई मंजिला विशाल इमारत जिसके लिए महानगर मुंबई जानी जाती है। चारों तरफ पनवेल यानी मुंबई का नवी मुंबई में सटा हुआ, यानी आखिरी लोकल ट्रेन जो आती है वो पनवेल तक आती है, यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर है वो पनवेल। और देखिए आज इस जीवन वाहिनी बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेरी सहयोगी टीम की सीधी कवरेज, जरा पूछ के देखता हूँ, कुछ लोग मुझे मिलते हैं मेरी सहयोगी के रूप में और कुछ मिलते हैं, जरा आपका बहुत बहुत स्वागत है मोरे साहब, इस एयरपोर्ट के बारे में क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप इस एयरपोर्ट के बारे में मोरे साहब, इस एयरपोर्ट के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप जो बन रहा है? ये नवी मुंबई में एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ से मुंबई में कहीं पर जाने से बाहर इंडिया के कोने कोने में जाने में किसी को तकलीफ नहीं रहेगी, जाने में दिक्कत नहीं रहेगी और पूरा नवी मुंबई का एरिया और खूबसूरत बनेगा। ये वास्तविक ही क्या इतना इंटरनेशनल जो जगह तो बहुत खूबसूरत है लोगों के लिए, ये यहाँ के जो एक्टर एक्ट्रेस क्रिकेटर हैं तमाम लोगों के लिए, ये वास्तविक क्या पूरी तरीके से गरीबों के लिए फायदेमंद होगी, सुविधा हो जाएगी, अपने आप में विशाल बन रहा है ये, बराबर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए बता रहे थे। हालांकि महाराष्ट्र की बात करूँ, ज़्यादातर लोग यहाँ मराठी बोलते हैं जिससे पूरी तरह से बता नहीं पाते, और ये हाईवे है ये सामने की तरफ। देखिए आज महानगर मुंबई और नवी मुंबई में बन रहे एयरपोर्ट पर मेरी टीम की सीधी कवरेज। जय हिंद, जय भारत।